आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया हमसे, इफ cos x - y / cos x + y + cos z + t / cos z - t = 0, then the value of expression 10x into 10y into 10z into 10t, इसकी वैल्यू बताने किसके इक्वल हो जाएगी, और चार ऑप्शंस गिवन है, 1 minus 1 2 and minus 2। सो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, यहां पर मैं लिख दूंगा इसको, एक्सपेंड कर दूंगा, cos a - b का फार्मूला लगा दूंगा यहां पर, तो वो हो जाएगा cos a into my cos b plus sin a into sin b sin x into sin y होल डिवाइडेड बाय, सेम डिनोमिनेटर फॉर्मूला लगा देंगे, cos x इंटू में cos y माइनस sin x इंटू में sin y, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगाएंगे cos a plus b का, तो cos z इंटू में cos t माइनस sin z इंटू में sin t एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में cos a माइनस b विच इज cos z इंटू में cos t प्लस साइन जेड इंटू में साइन टी, और इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल है अपने यहाँ से, ठीक है। देखो अब मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर से और डिनोमीटर से कोस एक्स इंटू कोस वाई कॉमन ले लूंगा, यहाँ से मैं न्यूमरेटर से कोस एक्स इंटू कोस वाई, अगर मैं कोस एक्स इंटू कोस वाई कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा, 1 प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई, अगर इसमें से कॉमन लेंगे ना तो देखो साइन एक्स के नीचे कोस एक्स आएगा, तो कोस साइन एक्स बाय कोस एक्स टेन एक्स हो जाएगा, और साइन वाई बाय कोस वाई टेन वाई हो जाएगा मेरा यहाँ पर, अपॉन सेम इसी तरह से डिनोमेटर से कॉमन ले लेंगे हम कोस एक्स इंटू कोस वाई, तो यहाँ तो बचेगा 1 और यहाँ पर माइनस का आ जाएगा टेन एक्स इंटू में टेन वाई, प्लस सेम यहाँ से हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे कोस जेड इंटू कोस टी, तो ये बचेगा 1 माइनस टेन जेड इंटू में टेन टी होल डिवाइडेड बाई कोस जेड अपॉन कोस टी 1 प्लस टेन जेड इंटू में टेन टी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मेरे टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, कोस एक्स कोस वाई कैंसिल आउट, कोस जेड कोस टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको लिख लूंगा यहाँ पर, ये बचेगा मेरे पास 1 प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई अपॉन डिनोमीटर में क्या है 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ पर ले जाऊंगा तो साइन आ जाएगा नेगेटिव का, और यहाँ पर क्या टर्म है 1 माइनस टेन टेन जेड इंटू टेन टी होल डिवाइडेड बाई डिनोमीटर में अपने पास है 1 प्लस टेन जेड इंटू टेन टी, ठीक है। सुबह हम क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हम इसको इससे मल्टीप्लाई एंड इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्या वैल्यू मिलेगी, ये मिलेगा 1 प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई टेन एक्स इंटू में टेन वाई मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस टेन जेड इंटू में टेन टी, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास माइनस में 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टेन जेड इंटू टेन टी टेन जेड इंटू में टेन टी, ठीक है। तो क्या करना है, अब इसलिए हम ओपन करना है इसे, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे यहाँ से हम, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो यहाँ से मिलेगा 1 प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई प्लस टेन जेड इंटू में टेन टी, ठीक है। देखो 1 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर 1 को यहाँ से इससे, फिर ये 1 से मल्टीप्लाई एंड इसको यहाँ से करेंगे, तो 10x into 10y into 10z into 10t ये हो गया LHS is equals to, ठीक है। अभी माइनस का साइन है मेरे यहाँ पर, सो देखो माइनस का साइन अभी एज इट इज रहने दूंगा मैं पूरा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 10z into 10t माइनस 10x इंटू टेन वाई, और माइनस माइनस प्लस का मिलेगा इधर सबके आपको 10x 10y टाइम्स 10z इंटू में 10t, ठीक है, ये हो गया RHS अपना।
सो क्या करेंगे, माइनस का साइन हटाएंगे आप, और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ से मिल रहा है 1 प्लस 10x 10y प्लस 10z इंटू 10t प्लस 10x 10y इंटू में 10z इंटू में 10t इसी क्वेश्चन में। अब यह हो जाएगा माइनस का 1, अंदर सब परसेंट चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का 10z इंटू में 10t, ये हो जाएगा प्लस में 10x इंटू 10y, और ये माइनस का हो जाएगा मेरे यहाँ से 10x इंटू 10y इंटू 10z इंटू में 10t। सो देखो कौन कौन से टर्म मेरी कैंसिल आउट हो जाएगी, इधर से 10x इंटू 10y और इधर 10x इंटू 10y, दोनों प्लस के सेम है, कैंसिल आउट, 10z इंटू 10t 10z इंटू 10t ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे मेरे यहाँ से। और देखो जो ये टर्म है मेरी यहाँ पर, ये पूरी ये माइनस में इधर के प्लस हो जाएगी, तो ट्वाइस हो जाएगा इसका पूरे का। सो ट्वाइस ऑफ 10x इंटू में 10y इंटू में 10z इंटू में 10t, और मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, ये 1 इधर आके उठेगा मेरा माइनस का 2, ये 1 को इधर ले जाऊंगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो 2 को भी डिवाइड में ले जाएंगे तो बेसिकली आपको इधर से क्या मिलेगा, ये माइनस का 1 मिल जाएगा यहाँ से, जब 2 डिवाइड में लेंगे तो ये माइनस का 1 मिलेगा, तो ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर, माइनस 1 के इक्वल आ रहा है अपना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके थैंक यू फ्रेंड्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।